फोटो खींचना या खींचवाना कैसा है? अगर शरीयत में नहीं खींचवाना है तो जॉब प्रोफाइल होता है, वहां पे अपलोड करना कैसा है जॉब ढूंढने के लिए, जैसे कि naukri.com या लिंक्डइन पे? आपने फोटो के बारे में पूछा है, जाहिर है आपका जी सवाल डिजिटल फोटो के बारे में है। जी देखिए, तस्वीर की तीन किस्में किया है उलमा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसव्विरों के लिए बहुत सख्त वईद है और उन्हें जहन्नम की वही वही सुनाई गई है। कोई तस्वीर बनाए या तस्वीर बनाए या उसका इस्तेमाल करे, उन लोगों के लिए वईद है। तो जो तस्वीरें हैं उनको उलमा ने तीन किस्मों में तकसीम किया है। पहली तस्वीर तो तिमसाल जिसको कहते हैं स्टेचू, स्टेचू जो बाकायदा किसी जानदार के जिस्म के शक्ल में बनाया गया हो, स्टेचू की शक्ल में, तो वो तो हराम है, उसके हुरमत पर इत्तेफाक है। दूसरी शक्ल ये है कि तस्वीर को किसी चीज पर पेंट किया गया हो, ब्रश से या कलम से किसी भी तरह से पेंट किया गया हो, ये भी हराम है, क्योंकि ये जो जी पेंट किया गया है बाकायदा वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक जिस्म है, तो इसके हुरमत पर भी तकरीबन इत्तेफाक है। अब मसला तीसरे किस्म का है। तीसरे किस्म है तस्वीर की, उसको पेंट नहीं किया जाता है, उसको डिजिटल कैमरे से खींचा जाता है, उसका अक्स लेता है कैमरा और फिर उस अक्स को प्रिंट कर लिया जाता है, इंसान अपने हाथ से उसको नहीं बनाता है। इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा के दरमियान बहुत सारे उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि जो ममनू तस्वीर है उसमें ये डिजिटल तस्वीरें दाखिल नहीं हैं, जिनमें कि शेख इब्न उसैमीन और कई बड़े उलमा शामिल हैं इसके जवाज के कायलीन में, कहते हैं कि ये ममनू तस्वीर में शामिल नहीं, क्योंकि इसको इंसान नहीं बनाता है, ये एक मशीन है जो इसका अक्स लेती है फिर उसको प्रिंट किया जाता है। वहीं पर दूसरे कुछ उलमा ने उसको हराम भी करार दिया है कि ये भी उसमें दाखिल है। बहरहाल मसला मुख्तलफ ही है, जी लिहाजा इसमें बेहतर यह है कि जितना मुमकिन हो उतना बचा जाए इससे। जहां पर सवाल रहा, जहां पर आपको जरूरत है, वहां पे इंशाल्लाह कोई इशकार और कोई हरज की बात नहीं है। जैसे आपने फार्म वगैरह पे लगाने की बात की, कोई हरज कोई इशकार नहीं है, आप लगा सकते हैं। हजरत, तस्वीर बनाने और तस्वीर खींचने के मालिक, आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें आपने ये बताया हजरत कि जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, एक मशीन है जो तस्वीर के अक्स को ले लेती है और उसको प्रिंट कर देती है। तो ये इसमें मेरा एतराज हजरत ये है कि जो तस्वीर का अक्स किसी मशीन का लेना, तो मशीन को भी क्रिएट करने वाला भी अपनी जहनी अक्ल से, अल्लाह के हुक्म से इंसान ही है, तो वो फिर कैसे जायज हो जाएगा? और एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि डायरेक्टली एक तस्वीर बनाता है और इनडायरेक्टली एक मशीन के जरिए तस्वीर बनती है, तो दोनों हालत में तो वो इस्लाम में ममनू है इस चीज का। तस्वीर ही है आप बोल रहे हैं वो दोनों एतबार से। जी बिल्कुल, जी ये सिर्फ आपका एतराज नहीं है, ये मेरा भी एतराज है, और शायद आपने मेरी गुफ्तगू ठीक से सुनी बिल्कुल नहीं। मैंने उलमा के हवाले से ये नकल किया कि इस तरह की दो आरा हैं इस मसले के अंदर, और ये जो आप एतराज कर रहे हैं ये आज का एतराज नहीं है, ये बहुत पुराना एतराज है जो जवाज के कायलीन पर पहले ही से किया जा रहा है। और भी एतराजात हैं, इसके अलावा भी एतराजात हैं कि जो कैमरा है उसको बनाने वाला इंसान है, तो किसी जमाने में पेंट ब्रश होता था तस्वीर बनाने के लिए, अब पेंट ब्रश की जगह कैमरे ने ले लिया है, तो यही तो एतराज किया जाता है उन लोगों पर जो लोग कहते हैं कि कैमरे की तस्वीर जायज है। बहरहाल कम से कम ये मसला मुतशाबिहात में से है, और मैंने अपनी किसी राय का इजहार नहीं किया है, लिहाजा ये आपका एतराज मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने उलमा से नकल किया है, ये इंतहाई जदीद और पेचीदा मसला है जिसमें दोनों तरफ से जो है अदिल्ला और मुनाकशात का तबादला हुआ है। मैंने एक आपको दरमियानी रास्ता बताया कि जहां तक हो सके आप एहतियात अख्तियार करें इस मसले में। जी 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 भाई, हजरत, जी हजरत, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जो बोला मैं उससे मुतमईन हूँ। हजरत, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग करना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना शरीयतन कहाँ तक दुरुस्त है? ये मसला भी उसी मसले के अंदर आता है। अब ये वीडियो के मसले में बेशतर उलमा की, मौजूदा जमाने के बेशतर उलमा की राय ये है,
कि इसकी मसलहत इतनी बड़ी है, इसका फायदा इतना बड़ा है कि इसको उस तस्वीर में दाखिल, उस तस्वीर से मुस्तस्ना माना जाएगा या उस हुक्म से जिसमें तस्वीर की ममानियत है। और चूंकि कैमरा तो ऑलरेडी मुख्तलफ ही है, ये जो डिजिटल कैमरा है कोई इजमाई और इत्तेफाकी मसला तो है नहीं कि सारे लोगों का इत्तेफाक है, लिहाजा वीडियो बनाना जो है नाजायज है, ये पहले से इख्तलाफी मसला है और बड़े बड़े मुहक्किकीन उलमा ने इसमें जवाज का फतवा दिया है और उनकी अपनी दलीलें भी हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में खास तौर से इल्म की नशरो इशाअत के लिए, दावत तबलीग के लिए, इस पर तो तकरीबन तकरीबन सारे लोग जो है मुत्तफिक हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, कि ये जायज है क्योंकि इसकी मसलहत बहुत बड़ी है। और ये वैसे भी तस्वीर नहीं है, देखिए जो वीडियो है ये कोई साबित चीज नहीं है। जिन लोगों को वीडियो टेक्नोलॉजी का इल्म है, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये कोई साबित चीज नहीं है, जो रुकी हुई है, ये चल रही है, टुकड़ों में है, ये टुकड़ों में ये चीज होती है जो हमको इस तरह से दिख रही है, तो हकीकत में ये तस्वीर नहीं है। तो बहरहाल दोनों तरफ से इसकी दलीलें दी गई हैं, ज्यादा इसमें कवि बात यही मालूम होती है कि ये उस तस्वीर के हुक्म में नहीं है। जी भाई हजरत, दरअसल ये वीडियो जो जितना भी हम देख रहे हैं, इसमें साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज का रिसर्च किया कि हमारे आंख पे जब भी कोई इमेज बनता, फोटो बनता है, जिस तरीके से हम पुराने जमाने में टीवी देखते थे और लाइट चला जाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे टीवी पे कुछ अक्स बना है, रुका हुआ है और कुछ समय के बाद खत्म होता था। इस चीज के मुताले से उन्होंने ये पता किया कि जो हमारे आंख पे एक सेकंड के 1/10 हिस्सा तक जो है कोई भी अक्स ठहरा रहता है। तो ये हम जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, ये सारे के सारे फोटोज ही हैं। वो इन फोटोज का स्पीड जो है ना, इतना फास्ट कर दिया गया है जिससे वो हमें लगता ऐसा है कि वो वीडियो है, दरअसल वो सारे के सारे फोटोज ही है। और हमारे आंख में अल्लाह ताला ने वो चीज दिया है जिस चीज के इस्तेमाल से आज जो है हम उसको वीडियो के फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन दरअसल वो सारे के सारे जो है। देखिए देखिए, हम इस मसले को लंबा नहीं खींचेंगे, आपकी गुफ्तगू से ये बात और भी क्लियर होती है कि ये फोटो नहीं है, ये हम सिर्फ देख रहे हैं। सुनिए, हम इसको सिर्फ देख रहे हैं। फोटो वो है जो साबित हो, जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो। आप ये साबित है क्या? जी भाई, आपने लाइट गई वो खत्म हो गया, अगर वो साबित होती तो खत्म कैसे हो जाता? नहीं हजरत, आप मेरी बात को नहीं समझे। अच्छा सुनिए, आप ये क्या बोल, आईना देखते हैं, आप आईना देखते हैं उसमें फोटो आता है कि नहीं, लेकिन क्या वो साबित होता है आईने के सामने से आप हटे कि वो खत्म हो गया? वो भी तो आईने में भी तो आपकी तस्वीर आती है हजरत। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं हजरत, वो बहुत सारे फोटोज के ही एक इजमा है और उसको इतनी स्पीड से दिखाया जाता है कि वो हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है। दर हकीकत में वो सारे के सारे फोटो ही है हजरत। हजरत मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मेरे एक पॉइंट को आप समझिए कि वो साबित नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे शेख अरशद, मतलब वो किसी जगह पर अगर आप उसको हाँ। छूना चाहें तो क्या छू सकते हैं? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो। जैसे कि आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने में आपकी तस्वीर आती है, क्या वो फोटो है कि नहीं आईने में? जी है ना, क्या वो हराम है? नहीं नहीं हराम है। क्यों नहीं हराम है बताइए, वो भी तो फोटो आप उसको कह रहे हैं, वो अक्स है स्टेबल भाई, ये भी रुकी हुई नहीं है, ये भी अक्स ही है। अभी मैं कैमरा, मैंने कैमरा बंद किया, देखिए कैमरा बंद किया, खत्म हो गया है ना, कैसे खत्म हो गया? जी जैसे हम जो है अगर आईने पर कोई रुमाल डालते तो हमारी तस्वीर खत्म हो जाती है, हमने कैमरा बंद किया, तस्वीर खत्म। इसका मतलब वो कोई साबित चीज नहीं है, वो अक्स है। आजत ये बहुत लंबा गुफ्तगू हो जाएगा, इसमें बहुत सारी टेक्निकल, देखिए हाँ देखिए, और कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर उलमा ने गुफ्तगू नहीं की है। ये वो सारी गुफ्तगू ना तो किसी आदमी को इस्तेहजार हो सकती है इस तरह की मजलिसों में, और ना ही पेश किया जा सकता है। मैं सिर्फ खुलासा ये बता रहा हूं आपको
कि बड़े बड़े मुहक्किकीन उलमा ने अदिल्ला की रोशनी में इसको साबित किया है कि जो तस्वीर हदीस के अंदर जिसका जिक्र आया है हुरमत का, उस पर ये हुक्म जो है मुंतबिक नहीं होता है, ये जो कैमरे में है तस्वीर, अदिल्ला से इसको साबित किया है। उसका जवाब भी जाहिर है, दूसरी जानिब से जवाब भी उसका दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां पर फायदा हो उसका, मुस्बत पॉजिटिव चीजें हो वहां पे आप इस्तेमाल कीजिए, और उसको लहो लय में इस्तेमाल मत कीजिए।